नमस्कार, रेडियो मणिनायन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट कॉरपोरेट सेंट्रल। स्पाइस जेट में कौन सी एयरलाइन खरीदेगी बड़ा हिस्सा, कौन सी कंपनी करेगी हजारों कर्मचारियों की छटनी, अच्छे नतीजे होने के बावजूद क्यों टूटे इन्फोसिस के शेयर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। एक रिपोर्ट के अनुसार बजट एयरलाइन इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल संकट ग्रस्त एयरलाइन स्पाइसजेट में अच्छी हिस्सेदारी खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस खबर की वजह से शुक्रवार को स्पाइसजेट के शेयर करीब 20% चढ़ गए और कारोबार के अंत में 43.60 रुपए पर बंद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर तक टाल दी है। इस खबर की वजह से शुक्रवार को अदानी समूह के कई शेयर लाल निशान में चले गए। सबसे ज्यादा नुकसान अडानी इंटरप्राइजेस को हुआ। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर कारोबार के अंत में करीब 2% टूटकर 2454.65 रुपए पर बंद हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो पीएमएलए मामले में कोर्ट से चारों आरोपियों की हिरासत 10 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। इन चार लोगों में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के एमडी हरिओम राय और एक चीनी नागरिक ग्वाग्वेन भी शामिल हैं। दिवालिया कंपनी गोफर्स्ट को खरीदने के लिए जिंदल परिवार के अलावा जेटविंग्स एयरवेज ने भी रुचि दिखाई है। पूर्वोत्तर की कंपनी जेटविंग्स एयरवेज ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने का ऐलान कर दिया है। जिंदल परिवार ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। रेल मंत्री के तहत चलने वाली सरकारी कंपनी राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। केंद्र सरकार की इस कंपनी की स्थापना को करीब 50 साल हुए हैं। यह ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है। टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पिछले 15 महीनों में अपने बेड़े में 50 नए B737 मैक्स विमान जोड़ लिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की AIX कनेक्ट में विलय की तैयारी चल रही है। अमेरिकी चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम कैलिफोर्निया के अपने दो दफ्तरों से 1258 कर्मचारियों की छटनी करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस छटनी के साथ ही कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कुल 2.5% तक की कटौती कर पाएगी। ग्लोबल आईटी सर्विसेज फर्म एसेंश्योर ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत और श्रीलंका के अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़त न करने का फैसला किया है। सीनियर कर्मचारियों को प्रमोशन का भी लाभ नहीं मिलेगा। कंपनी का कहना है कि उसने माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान रखकर ये फैसला किया है। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड को तमिलनाडु सरकार से 1666 बसों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। राज्य के परिवहन विभाग के बेड़े में पहले से ही कंपनी की करीब 18,000 बसें संचालित हो रही हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत यानी कि सोमवार 16 अक्टूबर से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का नया कमोडिटी डेराइवेटिव्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। MCX ने बताया कि इस पर ट्रेडिंग सोमवार सुबह 11:45 से शुरू होगी। फिक्स्ड इनकम प्लेटफॉर्म जिराफ ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में करीब $87 लाख की रकम जुटा ली है। इस राउंड में फंडिंग एसएल और हार्मनी पार्टनर्स ने की है। इन्फोसिस के गुरुवार को आए तिमाही नतीजों के मुताबिक मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2024 के रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान में कटौती कर दी है। इसकी वजह से कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। अमेरिका में कंपनी के ADR 6.5% तक टूट गए। भारतीय बाजार की बात करें तो शुक्रवार को BSE में इसके शेयर करीब 3% टूटकर 1402.10 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये 2.25% की गिरावट के साथ 1431.80 रुपए पर बंद हुए। HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने शेयरधारकों को 600% यानी कि प्रति शेयर 12 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर होगी। कंपनी के सितंबर तिमाही के मुनाफे में 8% का उछाल आया है। इससे HDFC बैंक के शेयर में शुक्रवार को करीब 719 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। इस खबर के असर से बैंक के शेयर कारोबार के दिन करीब 1% टूटकर 1530 रुपए तक चले गए। कारोबार के अंत में ये शेयर 1536.75 रुपए पर बंद हुए। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर शुक्रवार को BSE में 5% चढ़कर 2910.70 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच गया। दूसरी तिमाही में कंपनी के अच्छे नतीजों की वजह से शेयर में मजबूती आई। कारोबार के अंत में इसका शेयर 3.5% की तेजी के साथ 2854.30 रुपए पर बंद हुआ। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा। नमस्कार।